मेरा ख्याल है वुमन एम्पावरमेंट जो है वो ज़्यादा प्रमोट होगी इस ऐप के थ्रू, इस ऐप को यूज़ करते हुए। तो मैं समझती हूँ कि ये जो ख़वातीन के लिए ये गुड न्यूज़ है और उनके लिए ये एक बेहतरी की तरफ ही जा रही है चीज़। ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें और जितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं इसे ज़रूर उठाएँ। मेरा ये ख्याल है कि टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी पर्टिकुलरली द फीमेल वुमेन, इट ब्रिंग यू कैन से दैट द रेवोल्यूशनरी चेंज इन द सोसाइटी। ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसको हम बड़ा जो है इसको इसकी ज़रूरत थी और पंजाब पुलिस के लिए, पंजाब पुलिस का इसमें बहुत बड़ा रोल है जिस तरीके से उन्होंने जो इस इनिशिएटिव को जो है कंटिन्यू किया है। फिर इसका एक और जो फीचर आपने इसमें डाला हुआ है कि किसी भी जगह पर जाने से पहले वो इस चीज़ को जान सकती हैं कि ये प्लेस कैसी है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एफर्ट। कोई भी ऐसी सुनसान जगह पर वो जाती हैं कहीं भी, तो वो अपनी लोकेशन मार करके बता सकती हैं कि सेफ़ है कि अनसेफ है कि पार्शली सेफ है आपके लिए, और अगर वो किसी प्रॉब्लम का शिकार होती हैं तो वो अपने घर वालों को सबको बता सकती हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हैं कैब के ज़रिए। तो ये एक अच्छा स्टेप है। अस्सलाम वालेकुम, पंजाब से सिटी 30 टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शाहवान। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी में जहाँ पर एक ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया है वुमेन सेफ्टी ऐप से रिलेटेड। इसकी वर्किंग क्या है, कैसे ये जो है औरतों को ज़्यादा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट फ्राहम कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे इंश्योर कर रही है, आइए इनसे जानते हैं। स्टूडेंट से भी बात करते हैं, फैकल्टी मेंबर से भी बात करते हैं कि आइए कि ये इस ऐप को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, उन्होंने यूज़ किया है या नहीं और क्या ये रिकमेंड करेंगे, तो आइए इनसे जानते हैं। जी नाज़रीन, अब हम मिनहाज यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स के साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है वुमेन सेफ्टी ऐप को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनम इफ्तिखार है। और क्या पढ़ाती हैं? मैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाती हूँ और आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर है। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुकैया है और मैं यहाँ पे मिनहाज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाती हूँ। अच्छा, ये जो पंजाब सेफ सिटी का एक इनिशिएटिव है पंजाब पुलिस ने विद द कोलैबोरेशन ऑफ पंजाब पुलिस एंड पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, किस तरह देखती है आपके वुमेन को मोर सिक्योर एंड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के लिए, कितना ज़रूरी था? आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है और ख़ास तौर पे जो रिसेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली उसके लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। सेकेंडली, ये ऐप जो है मल्टी फंक्शनल है, लाइक नॉट जस्ट यू नो इन केस ऑफ एनी थ्रेट, कोई फी अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस है, मैंने इसको थोड़ा सा जो है स्क्रॉल किया था तो उसमें भी जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। मेरा ख्याल है वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो ज़्यादा प्रमोट होगी इस ऐप के थ्रू और जो है वो ये एक जो है वो वक्त की ज़रूरत था ये ऐप जो है इसकी जो है वो इसका बनाना, और जो है वो बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने पंजाब जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मिलके। पुलिस का भी अच्छा इनिशिएटिव है और आई होप सो कि पुलिस की वर्किंग जो है वो भी ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि अब प्रॉपर चूँकि ऑनलाइन है सारा सिस्टम तो उनकी चेक एंड उनकी वर्किंग के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रहेंगे। पुलिस थानों में जाने से घबराती थी, आप क्या समझती हैं कि अब आप एक सिंगल क्लिक पे पुलिस खुद आपके पास आएगी, इस इनिशिएटिव को कैसे देखती हैं? देखिए, ये जहाँ तक मेरा ख्याल है ये ज़्यादा सिक्योर लग रहा है। पहले ये होता था, ऑब्वियसली हमारे सोसाइटी में चीज़ें चलती हुई थी, वुमेन इनसिक्योर समझती थी या पुलिस स्टेशन जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। तो अब आई थिंक वो अगर वो इस तरह से इस ऐप को यूज़ करेंगी और ऑब्वियसली हम बल्कि ख़ुद भी ये कहेंगे बाकी लोगों को भी इसको यूज़ करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अभी रिसेंटली हमारे कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए भी हैं, रादर इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके बाद बहुत ज़्यादा ख़ासतौर पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा स्केयर्ड है इससे कि जो है वो इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए आई थिंक ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहिए। और आई मस्ट से कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए ताकि आप फुट स्टेप पे जो सिक्योरिटी मिलती है वो मिलनी चाहिए। और इस ऐप को यूज़ करते हुए तो मैं समझती हूँ कि ये जो ख़वातीन के लिए ये गुड न्यूज़ है और उनके लिए ये एक बेहतरी की तरफ ही जा रही है चीज़। ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें और जितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं इसे ज़रूर उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सलमा नाज। आपका? एचओडी ऑफ बिहेवियर साइंस। आपका नाम है? मैं मोना कंवल और लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़।
अच्छा मैम, आप मुझे बताइएगा कि कितना ज़रूरी था पंजाब सेफ सिटी इनिशिएट लिया है वुमेन को मोर प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर एंड सेफ्टी उनकी इंश्योर करने के लिए, कितना ज़रूरी था ये? अच्छा, इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, प्रोएक्टिव अप्रोच। हमेशा ये होता है कि वुमेन हरासमेंट होती है या उनको ज़रूरत होती है तब हुकूमत हरकत में आती है और कुछ इनिशिएटिव लेती। आई थिंक इट इज़ अ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के इट प्रोएक्टिवली जो है गवर्नमेंट ने देखा और उसने डिमांड से पहले इस चीज़ को महसूस किया। तो मेरा ये ख्याल है कि टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी पर्टिकुलरली द फीमेल वुमेन, इट ब्रिंग यू कैन से दैट द रेवोल्यूशनरी चेंज इन द सोसाइटी। और इससे जो एक वो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है, क्योंकि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में जो सबसे बड़ी हर्डल, जैसे मैंने फील करती हूँ कि वुमेन जो है बाहर निकलते हुए हेजिटेट करती हैं, और पेरेंट्स या घर वाले बड़े भी वो ये कहते हैं कि जी आप चूँकि सिक्योर नहीं है इसलिए यू आर नॉट अलाउड टू मूव अलोन। ये सबसे बड़ी हर्डल है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में, जिसको आई थिंक एड्रेस किया है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, और इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप टेकन बाय द पंजाब गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, थोड़ा आप मुझे ये बताइएगा कि इसमें सिर्फ हरासमेंट के अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं, अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस है या अगर आप किसी कहीं जगह पे खुद को इनसिक्योर फील करिए हरासमेंट से पहले भी, तो उससे भी प्रोएक्टिवली बड़ी आप पुलिस मदद पे पहुंच रही है। इसके अलावा हमारा एक तो सोसाइटी का बिहेवियर ऐसा था कि हम किसी पर ट्रस्ट नहीं करते थे, हम अपना नंबर किसी से शेयर नहीं करते थे, तो अब ये ट्रस्ट लेवल जो है पुलिस के ऊपर बढ़ गया है, खासतौर पर लेडीज़ का। इसके बारे में आप क्या कहें? ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब पुलिस, उनकी तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है वेमेन को एम्पावर करने के लिए, उनकी सिक्रेसी को भी मतलब कि कंसिडर किया जाए और उस तरह से उनको मसाइल जो हैं वो जो जिस तरह वायलेशन की आप बात कर रही हैं या घरेलू तशद्दुद के हवाले से हम बात करते हैं, तो फीमेल जिस तरह से ओपनली जो है वो नहीं बात कर सकती थी, इस तरह से वो सिक्योर हो के अपना मैसेज कन्वे कर सकती हैं और या करवा सकती हैं, तो ये बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। एंड फर्दर जो यूनिवर्सिटीज़ का के प्लेटफॉर्म से इसका इनिशिएटिव है, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टीचर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैसेज 100,000 लोगों को जो है वो कन्वे होता है, तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसको हम बड़ा जो है इसको इसकी ज़रूरत थी और पंजाब पुलिस के लिए, पंजाब पुलिस का इसमें बहुत बड़ा रोल है जिस तरीके से उन्होंने जो इस इनिशिएटिव को जो है कंटिन्यू किया है, ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और ये बहुत इंप्रूवमेंट की तरफ फर्दर जा सकता है। अच्छा मैम, आप अपने स्टूडेंट्स को क्या करेंगी एड्रेस के लिए, ज़रूर एप्लीकेशन करें और अपने आप को सिक्योर करें? हाँ जी बिल्कुल, मैंने खुद भी इसको जैसे डाउनलोड किया, मैंने उसी दिन स्टूडेंट के साथ शेयर किया और के जी वो खुद जो है ज़रूर इसको, ख़ासतौर पर जब वो घर से बाहर निकलती हैं फॉर एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चियों को मैंने इससे पहले ब्रीफिंग दी है इसके बारे में, ऐप में नेट पे उनको दिखाया और एक लेक्चर थोड़ा सा मैंने उनको 5-10 मिनट का अपने जो है तौर पे उनको ब्रीफ किया था रिगार्डिंग दिस ऐप, ताकि आज अगर ये वर्कशॉप है तो उसको बेहतर तौर पे समझ भी सकें और उनको जो है अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकें। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चियों के हवाले से मैंने कहा कि आप अपने जैसे फादर है या मदर है या अपने भाई का, जो जब हम सबमिट उसको करते हैं तो वह इन केस ऑफ एमरजेंसी जो नंबर हमसे मांगता है, तो उसमें ये सबसे बड़ी बेस्ट है कि जी इफ़ यू आर इन एनी इनकन्वीनियंस सिचुएशन, तो आपके जो घर वाले हैं उनको फ़ौरन इत्तला जो है वो पहुँच जाती है, तो ये चीज़ जो है। और इसमें जो फीडबैक आया या बच्चियों का, वो बड़ा एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव था, और दे वर इंक्वायरिंग मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ऐप, तो इसीलिए उन्होंने बहुत दिलचस्पी ले रही, बहुत दिलचस्पी ली, और उन्होंने जो मटेरियल आप लोगों ने शेयर किया उसको भी उन्होंने थोरली जो है पढ़ा। तो आई होप के जब कल फिर क्लास होगी तो बच्चियाँ ज़रूर इसके बारे में जो है क्वेश्चन करेंगी। और वैसे मैंने एक इसमें सजेशन भी शेयर की थी कि जैसे क्वेश्चन उठा था कि जी जहाँ नेट की फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो उसमें मैंने शेयर किया कि जी आप वो जो थी आपकी दूसरी टेक्निकल जो ट्रेनर थी, कि आप इसके अंदर जैसे मैसेजेस होता ना सिंपल मैसेजेस, ठीक है, अगर वो कोई ऐसा उस ऐप में ऐड हो जाए कि अगर इन केस ऑफ के आपके पास नेट नहीं है तो सिंपल मैसेज के थ्रू जो है आप अपनी जो है वो जो भी शिकायत है कंप्लेन है उसको जो है आप पहुँचा सकें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये आप अपनी टेक्निकल टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि जी इंटरनेट की जैसे सहूलत नहीं होती हमारे रूरल एरियाज़ में, पर्टिकुलरली मोबाइल तो सबके पास है, जो खेतों में चुन रही है ना कपास उसके पास भी है, ठीक है, हाँ नेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसको उस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ये अगर इसमें फीचर ऐड हो जाए तो ये बेस्ट होगा। उन्होंने अपनी सजेशन भी दी है कि अपनी फीचर्स जो है मजीद ऐड किए जाएं। आप लोगों की भी कोई सजेशन है आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहतशम सिद्दीक। सर फैकल्टी कौन से डिपार्टमेंट से हैं? विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। सर
सर लेडीज़ के लिए तो ये ऐप बना दी गई है, आप क्या समझते हैं कि आपके घर में जो आपकी मिसेज हैं, आप मदर हैं, सिस्टर्स हैं या बेटियां हैं, जो भी आपसे रिलेटेड हैं, कज़न सिस्टर्स हैं, उनको आप रिकमेंड करेंगे ये ऐप? जी डेफिनेटली, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब पुलिस का और पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का, और इससे वुमेंस को बड़ी एक सेफ्टी फील होगी किसी भी लोकेशन पर जाते हुए, या जैसे बाहर काम करते हुए या बाहर मूव करते हुए जो पहले उन्हें इनसिक्योरिटी फील होती थी, अब इस ऐप के आने के बाद वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी और वो अपने आप को बाहर सेफ महसूस करेंगी। और फिर इसका एक और जो फीचर आपने इसमें डाला हुआ है कि किसी भी जगह पर जाने से पहले वो इस चीज़ को जान सकती हैं कि ये प्लेस कैसी है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एफर्ट, और इंशाल्लाह ये मैं रिकमेंड भी करूँगा अपनी फीमेल मेंबर्स से कि वो इसको इंस्टॉल करें और इसको ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम उर्वा खाइनत। कौन सी डिपार्टमेंट से? मैं BBA 6। अच्छा उर्वा, आपने पूरा सेशन अटेंड किया, होस्ट भी कर रही थी, बताइए कितना ज़रूरी था इस ऐप का और किस हद तक मौसर समझती हैं? आई थिंक जो औरतें अकेले सफ़र करती हैं, आती जाती हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, वो उनकी कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाती, तो इनके लिए बहुत अच्छी एक ऐप है कि ये अपने कोई भी ऐसी सुनसान जगहों पे वो जाती हैं कहीं भी, तो वो अपनी लोकेशन मार करके बता सकती हैं कि सेफ़ है कि अनसेफ है कि पार्शली सेफ है आपके लिए, और अगर वो किसी प्रॉब्लम का शिकार होती हैं तो वो अपने घर वालों को सबको बता सकती हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती हैं ऐप के ज़रिए, तो एक अच्छा स्टेप है और बहुत अच्छी चीज़ है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं ख़ासतौर पे लड़के और लड़कियां दोनों जो हैं इसको लेकर बड़े एक्साइटेड भी हैं और बड़े कंसर्न भी हैं कि हमारी जो ये एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगी नहीं, उन्होंने अपने सजेशन भी पेश किए। अगर आपको भी कोई सजेशन देनी है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ मुझे इजाज़त दीजिए, सेफ़ रहें, सेफ सिटी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।